अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी दौरे पर आई न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने सुरक्षा खतरे को देखते हुए अचानक से अपना पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया। यही नहीं, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने देश को फजीहत से बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने मनाने के लिए न्यूजीलैंड के पीएम को फोन तक लगाया, लेकिन इससे बात नहीं बनी। टीम आज रात तक स्वदेश वापस लौट जाएगी। न्यूजीलैंड ने कहा है कि उन्हें सुरक्षा का खतरा था और इसी को देखते हुए उन्होंने यह दौरा रद्द किया है। बताया जा रहा है कि न्यूजीलैंड ने तालिबानियों को पालने वाले पाकिस्तान को जोरदार तमाचा दिया है। न्यूजीलैंड ने टीम की सुरक्षा खतरे को देखते हुए पाकिस्तान को अलर्ट किया था। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने उसे खारिज कर दिया। यही नहीं, इमरान खान ने न्यूजीलैंड को फोन किया, लेकिन बात फिर भी नहीं बनी। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के क्रिकेटरों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए थे, लेकिन न्यूजीलैंड के अधिकारी इससे सहमत नहीं हुए। उन्होंने एक तरफा दौरा रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि अब पाकिस्तान के बड़बोले गृह मंत्री शाम को एक बयान जारी करके अपनी बात रखेंगे। फिलहाल दोनों ही टीमों को अभी होटल में ही रहने के लिए कहा गया है। दरअसल न्यूजीलैंड को खुफिया जानकारी मिली थी कि उसकी क्रिकेट टीम पर खतरा है। बताया जा रहा है कि आज रात को न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अपने देश रवाना हो जाएंगे। न्यूजीलैंड अपने खिलाड़ियों को जल्द से जल्द निकालना चाहता है। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक अपना बयान जारी नहीं किया है। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद अब पाकिस्तान में भी कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से न्यूजीलैंड को अपनी टीम को आनन फानन में बुलाना पड़ रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।